में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हिमंजय सक्सेना, जो कि एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट है, डायरेक्टर है 32 स्टार डेंटल क्लिनिक के, जो कि भोपाल में है, 15 साल का अनुभव रखते हैं, जो आज हमारे साथ बांटेंगे। डॉक्टर सक्सेना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इस शो में आपका साथ देने में, और जी मनी के साथ जुड़ने में भी मुझे उतनी ही खुशी है। थैंक यू सर, वी आर ग्लैड। अच्छा सर, एक और चीज, क्योंकि आप एक डेंटिस्ट हैं, और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो डेंटल हाइजीन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है। डेंटिस्ट की कहते हैं शक्ल ही तब देखी जाती है जब तक मामला एकदम आगे तक ना बढ़ जाए। और आज हम आपसे चर्चा करेंगे गम रिसेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, सभी दर्शकों को बताइए गम रिसेशन क्या होता है। मैम, गम्स को हम हिंदी में मसूड़े कहते हैं। जो हमारा दांत है, हमारा दांत हमारे एल्वियर बोन पे है, जो हमारा जो हड्डी है ना जबड़े की, उसका एक पार्ट होता है, और उस वो पेरिडोनशियम से जुड़ा होता है, और उसके ऊपर गम्स होते हैं। गम्स यानी हमारे मसूड़े, जो हम मुंह में देख पाते हैं वो दांत और मसूड़े देख पाते हैं। रिसेशन का मतलब अपनी जगह से नीचे जाना, तो जब मसूड़े अपनी जगह छोड़ के नीचे जाते हैं उन्हें हम गम रिसेशन कहते हैं। दरअसल वो मसूड़े अपनी जगह छोड़ के नीचे नहीं जा रहे हैं, उसकी जो पीछे का पेरिडोनशियम है, जो आपको मैंने बोन वगैरह बताया था, वो भी धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है, उसके साथ साथ गम्स नीचे जा रहे हैं। तो वो पूरा का पूरा जो आपका पेरिडोनशियम है वो नीचे जा रहा है। और तो आपका जो कौन सी एज ग्रुप में ज्यादा देखा जाता है, क्या यंग लोगों में भी देखा जाता है या सिर्फ एक उम्र के बाद ही देखा जाता है? अनफॉर्चुनेटली गम्स का एज से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि आपने बोला हाइजीन, सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है गम्स रिसेशन का वो है हाइजीन। अगर आप अपनी प्रैक्टिस में, हम कुछ एक 60 इयर्स प्लस लोग भी देखते हैं जो बहुत अच्छी हाइजीन रखी है, गम्स लेवल बहुत अच्छे हैं, और कुछ लोग 20-25 साल की उम्र में भी गम रिसेशन लेके आते हैं। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्योंकि इतने साल का अकुमुलेशन, फूड अकुमुलेशन, गंदगी का अकुमुलेशन होता है, उसकी वजह से विद एज आप मान के चलिए 30+ 40+ में गम रिसेशन ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, ओके। एंड सर, क्या डायबिटीज भी बढ़ा देता है गम रिसेशन का खतरा? यस मैम, डायबिटीज एक्चुअली, डायबिटीज का रिलेशन गम रिसेशन से ऐसे है कि अगर हम पहले गम रिसेशन को समझें, गम रिसेशन जो हमारे मुंह में जो गंदगी है उसमें बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं जिनके टॉक्सिन्स ये काम कर रहे हैं। डायबिटीज में कोई भी छोटी सी छोटी बीमारी थोड़ा सा विकराल रूप लेती है, क्योंकि आपके एक इम्यूनिटी भी कम हुई होती है, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है। तो इनफैक्ट डायबिटीज में सबसे पहली जो चीज़ आपकी इफेक्ट होती है वो आपका पेरिडोनशियम होता है, बाकी किसी भी बॉडी पार्ट से। पहले आपका जो आपका मसूड़े हैं, जो आपका दांत का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, सबसे पहले वो इफेक्ट होता है अगर आप अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं। अगर आप डायबिटिक हैं और कंट्रोल रखे हैं तो बराबर वही बात है जो आम इंसान की है, बट हाँ, अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो आपको मसूड़ों का भी ज्यादा ख्याल रखना ही पड़ेगा। ओके, एंड सर, बहुत सारे लोग आजकल टीथ वाइटनिंग, टूथ वाइटनिंग की तरफ भी जा रहे हैं, ऐसे ऑप्ट कर रहे हैं, तो क्या इन प्रोसीजर्स से भी खतरा बढ़ जाता है? मैम, टीथ वाइटनिंग सॉर्ट ऑफ आपका एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, इसका डायरेक्टली हेल्थ से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली टू। आपके टीथ वाइटनिंग से बहुत ज़्यादा रिसेशन का खतरा नहीं है। हाँ, सेंसिटिविटी वगैरह ज़रूर कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अगर टीथ वाइटनिंग ढंग से की गई है और आपके जो केमिकल्स हैं वो आपके मसूड़े में नहीं लगे हैं, तो टीथ वाइटनिंग से डायरेक्टली आपका जो गम रिसेशन का है डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सेंसिटिविटी का श्योर, बट नॉट गम रिसेशन। गम रिसेशन, ओके। अच्छा सर, गम रिसेशन के और क्या कॉजेज होते हैं और क्या क्या लक्षण हैं, जो आप सभी दर्शकों को बताएं कि अगर ये महसूस हो रहा है तो तुरंत डेंटिस्ट को तो दिखाना ही दिखाना है। मैम, गम रिसेशन के जो कारण है, सबसे बड़ा ये कारण है कि आपके जो पेरिडोनशियम है, जैसे मैंने बात की, उसमें कुछ भी अनटूवर्ड हो रहा है। सबसे पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो है गंदगी।
आम तौर पे जो एक एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो लोग मिस करते हैं, वो है गम से ब्लीडिंग होना। जब ब्रश करते हैं, और अगर आप सॉफ्ट ब्रश से यूज़ कर रहे हैं और ब्रश आपने नया लिया है, उसके बावजूद भी आपके गम से ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको इग्नोर ना करें। ये शुरुआती लक्षण है आपकी गंदगी और आपके प्लाक अकोमोलेशन के, जो प्लाक मतलब जो हमारी गंदगी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका जब मुंह में अकोमोलेशन स्टार्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रश लगने से मसूड़े से ब्लीडिंग हुई, तो लोग इसको मसूड़े को टच करना भी अवॉइड कर देते हैं। और जब ब्रश करते हैं उनको लगता है मसूड़े को टच करेंगे तो ब्लीडिंग और बढ़ेगी। अगर आप उस पोर्शन पे ब्रश टच नहीं करेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा आपका गंदगी एक्यूमुलेट होती रहेगी और वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता है। ये सॉर्ट ऑफ कैच 22 सिचुएशन है कि अगर टच होगा तो खून निकलेगा, टच नहीं होगा तो गंदगी बढ़ेगी। तो टालने से बेटर है अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे सलाह लें। और दूसरा फॉल्टी टूथ ब्रशिंग, ये भी आपका बहुत बड़ा एक कारण है इंडिया में। ऐसे रगड़ रगड़ के टूथब्रश करता है। बिल्कुल, टूथ ब्रशिंग के कुछ टेक्निक्स होती हैं, मॉडिफाइड स्टिलमैन वगैरह, बट अगर सबके अभी वो उससे हम यहाँ इस फोरम में बता भी नहीं पाऊंगा मैं आपको, बट सबसे जरूरी है कि हार्ड ब्रश ना यूज करें कभी भी। आपका ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए और ब्रश 2 महीने बाद चेंज होना चाहिए। कुछ लोग एक एक दो दो साल ब्रश चलाते हैं, वो नहीं करना है। जैसे आपके ब्रिसल्स ऐसे 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 करके फैल जाते हैं ना ब्रिसल्स, अगर वो होना शुरू हो जाए इसका मतलब आपकी ब्रश खराब हो गया है। बिल्कुल, चाहे वो 1 महीने में हो जाए। ब्रश सॉफ्ट हैंड से करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, और हाँ हैफजटली भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग आजकल, इनफैक्ट आजकल जो यूथ में ब्रश गंदगी लग रही है, उसका कारण ये है कि बच्चों में भी हमने देखा है स्कूल गोइंग किड्स में कि सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे उनकी स्कूल बस आ रही है अनफॉर्चुनेटली। तो 1 घंटे में ना नहाने का टाइम है ना ब्रश करने का टाइम है। तो ब्रश शांति से करना है और थोड़ा सा टाइम देके भी करना है। 2 से 5 मिनट आप ब्रश करिए और हल्के हाथ से करिए, और ब्रश हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो। ओके, काफी इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर हिमांजय आपने बताई कि ब्रश के ब्रिसल्स जैसे ही फैल रहे हैं। अक्सर मैंने टूथब्रश होल्डर्स में बाथरूम्स में देखा है कि वो ब्रश है वो सालों साल चलता रहता है। सो आई एम श्योर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा सर, गम रिसेशन का ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, क्या इजीली ट्रीटेबल है? कितने महीने कितने हफ्ते लगते हैं? मैम, गम रिसेशन का ट्रीटमेंट सबसे पहले तो अगर आपका गम रिसीड कर गया है, मतलब आपका गम्स नीचे चले गए हैं, तो उसको वापस ला पाना बहुत मुश्किल है। फ्लैप सर्जरीज हैं, मगर वो एक लिमिट तक ही हम उसको कर सकते हैं। हम उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। हम अगर एस्थेटिक जोन में हैं तो ज़रूर हम और टेक्निक्स हैं जिसमें सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग वगैरह करके हम या करके थोड़ा सा ऊपर ला सकते हैं, बट हर चीज़ की एक लिमिट है। तो कोई भी जो बीमारी है वो बहुत जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसको पूरी तरह से वापस लाना मुश्किल है। तो गम रिसेशन का जो ट्रीटमेंट है वो पहले तो ये है कि जब आपका इसको हम रोकें, इसको आगे बढ़ने ही ना दें, जैसे ही आपको सिम्टम्स हैं आप सफाई करवा लीजिए, आप जो भी और वजह से हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। और अगर ज़्यादा रिसीड कर गए हैं तो फ्लैप सर्जरीज वगैरह होती हैं, उसमें फ्लैप सर्जरीज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि वो टोटली इररिवर्सिबल हो जाता है, उस स्टेज पर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर डॉक्टर हिमंजू ने हमें कई सारी चीजें बताई। इंपॉर्टेंस ऑफ डेंटल हाइजीन, डेंटिस्ट को दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसी के साथ डॉक्टर सक्सेना अपने जीमानी हेल्थ शो के लिए अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू मैम, इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके शो का हिस्सा बन पाया। वी आर ग्लैड टू हैव यू। तो ये थे डॉक्टर हिमंजय सक्सेना, जिन्होंने हमें गम रिसेशन के बारे में बताया, डेंटल हाइजीन के बारे में कुछ अच्छे अच्छे टिप्स भी दिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।